सर आप जीत का है, हम आपको खुद सजा दे पा रहे हैं। ना जब आपको कोई सजा दे रहा है तो हम बर्दाश्त कर पा रहे हैं। मतलब क्या है आपका? मतलब क्या है हम नहीं जानते और ना हम जानना चाहते। बस आप चुपचाप यहाँ बैठिए और तब तक हमें सोचने दीजिए कि हमें बाबूजी से कैसे निपटना है। अरे ऐसे कैसे चुपचाप बैठे रहे? हमारी मां के साथ पता नहीं कैसे सुलूक कर रहे हैं आप लोग। देखा ना आपने हमारे बाबूजी के आदमियों ने आपके साथ कैसा सुलूक किया। अब क्या चाहती है कि मां साहब के साथ भी ऐसा सुलूक हो? हमें चाहे जो होना है हो जाए, मर जाएंगे हम, लेकिन अपनी माँ को कुछ नहीं होने देंगे, एक घरोज तक नहीं आने देंगे हम। हमने कहा था ना आपको, आप दोनों को कुछ नहीं होने देंगे, बस आप हमारा साथ दीजिए, बस। छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ दो, छोड़ दो। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। हमरे क्या लगा कि हमको हमरे आदमी को कुटाई करोगी तू? अरे भूल क्यों जाती है कि तू औरत जात है और इस दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं बनी जो हमसे टकराने का बूता रखे। प्रधान जी, नऊ वाला काम हो गया है, उनका लखनऊ का मकान अब हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अरे वाह रे वाह शाबाश, कमाल कर दिया। सुना तू, तुमने जो नालायक बेटे हैं ना, उन्होंने हमको तुम्हारा घर बेच दिया। अरे माँ बेटी को लखनऊ ले जाने की तैयारी करो, देखो इन दोनों का अंत हम इन्हीं के घर में करेंगे। इतना का सोच रही मास्टर ने, जवान दिए आपको पूरा करके रहेंगे, और अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो अब्बू की कसम। और बाकी आपको पता है कि अगर आप बाहर जाएंगी तो क्या हाल होगा। ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर हमारी माँ को कुछ भी हुआ ना, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आपको भी नहीं। हे भगवान, हम अपनी माँ को कैसे बचाएं? ये लोग माँ को कहाँ लेकर जा रहे हैं? रो रो रो, आंसू बहाओ, नदियां बहाओ, बस यही काम है तुम्हारा औरत जात का। पास मत आना, कोई हाथ मत लगाना, काट के इधर ही रख दूंगी मैं। ए चुप, तो हमको चाकू दिखा रही? अरे तो पगलेट हो गई का? कोई भी पास मत आना। काट कर रख दूंगी सब। उम्र के जिस दहलीज में हो ना हम्मा, हाथ में लाठी शोभा देती है, चाकू नहीं।
अरे बिल्कुल ठीक कहा हमरे बिटुआ ने, बहुत जोश चढ़ा था ना जोश, अब निपट हमरे बिटुआ से निपट। ए लड़का लोग चलो रे, ले चलो माँ बेटे को लखनऊ चलो। इन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, इन दोनों को सिर्फ हम ही संभालेंगे। ना ना, अब इन दोनों से लखनऊ में ही निपटेंगे। अभय कब भय आदा हमको, इनकी जो फूल जैसी बेटी है कैसी है, हाँ अच्छी है। ए बेटुआ क्या हुआ, ये सांप क्यों सूंघ गया? नहीं बाबूजी, काम हो गया। शाबाश, चलो रे माँ बेटी को डालो गाड़ी में और निकल पड़ो यहाँ से लखनऊ के लिए। बाबूजी आप लोग निकलिए, हम मास्टरनी को लेकर आते हैं अकेले में बाद में। समझ गए समझ गए, ठीक है अपने सुविधा के हिसाब से आ जाना, हमरे को कोई जल्दबाजी ना है, ठीक है। क्या किया तूने मेरी बेटी के साथ, कहा रखा है तूने उसे? सर कितना पक पक करती है रे, एक तो औरत जात का आवाज सुन के ना हमारा माथा ठनक जाता है। चुप कर, काम करो ये लड़का लोग, बुढ़िया को उठाओ ले चलो। चल रहे बेमा, अम्मा कुछ भी नहीं हुआ है, आप बस हमारा साथ दें। लेकिन विश्वास रखिए हम पे। ए, लेकर जाओ, लेकर जाओ इनको, चलो पकड़ के लेकर जाओ। भगवान कहीं बंटी पे विश्वास करके हमने कोई गलती तो नहीं करती? नहीं, हमें बंटी पे विश्वास नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भगवान हमें शक्ति दीजिए, हम अपनी माँ को कुछ नहीं होने दे सकते, हमें माँ को अभी बचाना होगा, हम क्या करें? चलो रे डालो ससुर को अंदर। चलो रे गाड़ी निकालो, आज जल्दी करना, सब साथ ही में चलेंगे। हे भगवान, हम अपनी माँ को कैसे बचाए, अगर आगे गए तो ये गुंडे गुंडे हमें भी पकड़ लेंगे। लखनऊ, माँ को लखनऊ ले जा रहे हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं प्लीज? तो चलिए हमारे साथ, हम आपको ले चलते हैं। मास्टरनी, Thank you.
घर देख कर तो ऐसा लग रहा है कि बहुत मोटी आसामी है। हाँ, बड़ा कारोबार, दूध सागर, नौकर चाकर, फिर भी सड़क के धक्के। अब तो बेचारी की बहू भी उसके साथ नहीं है। अरे बहू से याद आया कि हमारा जो बिटुआ है ना, वो उसे अच्छी तरह से सब दिखा कर आता ही होगा। पता है सबसे मजेदार बात कि हम कमरे घर में तुम दोनों को तड़पा तड़पा कर मारेंगे और तुमको देंगे उसके बाद एक तोहफा, तो उसमें दुगना मजा आएगा तुमको। अम्मा कुछ भी नहीं हुआ है, आप बस हमारा साथ दें। लेकिन विश्वास रखिए हम पे। लेकिन परी कहीं दिख क्यों नहीं रही है? वैसे आज का जो दिन है ना, हमरे लिए बहुत बड़ा दिन है। यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? ना जाने मेरी बच्ची। ए बबुआ। जी बाबूजी। उस मास्टरनी को अगर अच्छी तरीके से सबक सिखा दिया हो तो जल्दी से आ जा, इंतजार कर रहे हैं हम। हाँ बस अभी निकलना, अभी निकलना है। सबक। आओ मास्टरनी। हेलो मास्टरनी, कहाँ हो तुम? साला इतनी देर से फोन मिला रहे, उठा क्यों नहीं रही हो? हम आपको हरगिज नहीं बताएंगे कि हम किधर हैं। ए साला उल्टी सीधी बात मत करो हमसे, बताओ कहाँ हो? हमारे तुमसे बोले थे ना कि तुम्हारी अम्मा को पहुंचाएंगे ढंग से। ना तो हमें आप पे भरोसा है और ना ही आपके उन घर वालों पे। हम अपनी माँ की खुद सुरक्षा कर लेंगे, समझे आप? बाबूजी को पता नहीं क्या जवाब देंगे। मास्टरनी है कहाँ, क्या करने जा रही है कुछ नहीं पता, जाकर देखते हैं। हेलो, किसका फोन है रे? क्या? अरे ये तो बहुत अच्छी न्यूज है भैया जी। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी प्रधान जी को बता। प्रधान जी, आपके लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी। बोलना। आप इलेक्शन का टिकट जीत गए प्रधान जी। अभी इलेक्शन सुप्रीमो कॉल किए। क्या बात बोल रहा, पर अगर टिकट मिल गया ना तो इलेक्शन भी 100% जीत जाएंगे हम। अरे कन्फर्म है प्रधान जी। लेकिन एक बात तो है, ये जो घर है ना हमारे लिए बहुत शुभ है, मतलब कदम रखा नहीं हाथ में टिकट। तो काम को जल्दी से मीडिया वालों को बुला, बड़े कसमें खाएंगे, वादे करेंगे टीवी पर, तभी तो जनता हमें वोट करेगी, कहने में आएगी हमरे। सही कहा प्रधान जी। क्या है ना, तुम्हारा ये जो घर है ना हमारे लिए बहुत ही शुभ है, इसलिए तुम्हें कुछ घंटों की मोहलत देते हैं। बस एक बार मीडिया वाले यहां से खिसक ले, उसके बाद तुम दोनों सास बहू को तड़पा तड़पा के मारेंगे, कसम खा के बोल रहे हैं। चला रहे, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। और सुन, तोहफा तो सुनती जा, क्या देंगे? ससुर ऐसी मार मारेंगे ना तुमको, उसकी चोट शरीर पर नहीं
सीधा आत्मा पे लगेगी। हेलो, तेरी फिक्र से तेरी माँ की जान जा रही है। कोई तो मुझे बताए कि मेरी बच्ची का है। कौन कौन है उधर? अब यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? न जाने मेरी बच्ची कैसी होगी। तू जहाँ भी रहे भगवान तुझे सलामत रखे मेरी बच्ची, भगवान तुझे सलामत रखे। तेरे मास्टर नहीं आई थी क्या यहाँ पे? अब नहीं भैया, लेकिन शायद वो आपके साथ थी ना? हाँ थी तो, लेकिन भाग गई। समझ नहीं आ रहा कि बाबूजी को क्या जवाब देंगे। साला बचाते हैं तो दिक्कत है, नहीं बचाएं तो दिक्कत है। समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। अच्छा सुन छुटकी, अगर वो तुझे फोन करे ना सबसे पहले हमें बताना, क्योंकि अगर वो इस घर में आ गई तो एक नया बखेड़ा शुरू हो जाएगा। चल आराम कर। परिमा, अर्पिता, हम जानते कि तुम्हारे भैया हमें हर जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपने घर में नहीं ढूंढेंगे। लेकिन अब हम चलते हैं अर्पिता, क्योंकि यही सही वक्त है ये सब कुछ खत्म करने का। हमारा नेता कैसा हो? राम जी जैसा हो। जीतेंगे भाई जीतेंगे। प्रधान जी देखिए,
बंटे तो गई है, पर यहां से जिंदा बचकर नहीं जाएगी।